कि पहले जीडीपी देखिए, मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री के आंकड़े जो पार्टी जारी करती है, सरकार जारी करती है, कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो ओवरऑल जीडीपी नंबर 6 पर थी, आपके जमाने में नंबर 6 पर थी, आज नंबर 2 पर आ गई। मैं आपसे कहूंगा, ना मेरी मानिए ना मुख्यमंत्री जी की मानिए, जो सरकारी आंकड़े हैं 12 से 17 तक के और 17 के बाद जो सरकार आई है, उन आंकड़ों को जनता के बीच में रख दीजिए। अच्छा चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं, 17 में आपकी सरकार गई, योगी आदित्यनाथ आ गए, 2 साल थे जब यूपी की जनता ने उनके कामकाज को परखा, फिर 19 में इतनी बड़ी जीत, फिर उत्तर प्रदेश से कैसे आ गई? अगर कुछ नहीं किया होता, मान भी लेंगे वोट मोदी जी के नाम पर था, लेकिन जनता अगर यहां त्रस्त होती योगी से तो इतना बड़ा मैंडेट कैसे देती? उसके बहुत सारे कारण होंगे, मैं मुड़कर के नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन यह मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस बार नाराज है और नाराजगी दिखाई दे रही है, नाराजगी हर क्षेत्र में है, सरकार को आज बताना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में क्या काम किया है। अपना घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, संकल्प पत्र, कल्याण उत्तर प्रदेश के लिए जो जनता के लिए बनाया था संकल्प पत्र, उस पर कितने खरे उतरे हैं, उसका आकलन होगा। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या दूध की नदियां बहने लगी जो इन्होंने कहा था कि हम जगह जगह क्लस्टर्स बना देंगे, इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप दे देंगे, आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन दे देंगे, अरे इनके स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे जैसे स्मार्ट सिटियां बनी हैं? इनसे पूछिए कि स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई इनकी, कौन सी स्मार्ट सिटी है इनकी, और क्या स्मार्टफोन देंगे? जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते, इसीलिए जनता को लैपटॉप नहीं दिया इन्होंने। क्यों लिखा इन्होंने घोषणा पत्र में अपने? ये तो तीन मैंने बात बताई है, अगर आप इनका पूरा घोषणा पत्र देखेंगे तो 90% इन्होंने घोषणा पत्र पे काम ही नहीं किया। इस बात का जवाब योगी जी ने ट्विटर पर दिया था आपको, उन्होंने कहा विपक्ष अगर पढ़ना जानता तो पढ़ लेता कि हमने कितने काम किए। मैं ये जानना चाहता हूं, उनके संकल्प पत्र में पहला ये कहा गया है किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, किसान की किसकी आय दोगुनी हो गई ये बताए सरकार? आज डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया, पेस्टिसाइड्स महंगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स महंगे हैं, आज मेहनत मजदूरी ज्यादा है, कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई? ये कहते हैं हमने खरीद ज्यादा की है। धान किस कीमत लिया गया, गेहूं किस कीमत लिया गया, और गन्ने का अभी भी बकाया है, ये जरूर सरकार कह रही है कि रेट बढ़ा दिया है, और लेकिन किसानों की मांग क्या थी, और बिजली कितनी महंगी कर दी उसका जवाब कौन देगा? सरकार बताए कि आय आज किसान की क्या है और दोगुना कब कर देंगे, क्योंकि 22 तक उन्होंने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे। वही कह रहा हूं, अभी तो वो कहते हैं टाइम है, 22 में तो बहुत टाइम है अभी। अब क्या टाइम बचा? वो कह रहे हैं कि तारीख बदलने से आय बदल जाएगी, वो ये कहते हैं कि 22 में आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी? आज हम सितंबर में बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से कैसे आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी? उन्होंने ये थोड़ी बताया 2022 में कौन से महीने में किस। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ऐसी ही है भारतीय जनता पार्टी। अरे किसानों की आपने बात की, अब ये बताइए किसान आंदोलन का आपने, क्योंकि उसको पूरा समर्थन दे रखा है, किसान आंदोलन का क्या असर रहने वाला चुनाव में? किसान और गरीब इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। हाँ जी, अच्छा, लेकिन हाँ, इसका असर पूरे प्रदेश में होगा या पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही देखते हैं? केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाने का काम किया है उससे उनकी खेती छिन जाएगी, भविष्य उनका अंधकार में चला जाएगा, हो सकता है जो फैसले हुए हैं उससे उन्हें मजदूरी करनी पड़ जाए अपने खेतों। आप अगर जो आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये सरकार इसकी राजनीतिक सोच पर तो आप शक नहीं कर सकते? मोदी जी इतने चुनाव जीते, योगी जी चुनाव जीत करके आए, अगर इनको पता होता कि इससे हमको इतना नुकसान होगा तो इतना अड़ते उस बात पर कि 9 महीने से किसान दिल्ली को घेर करके बैठे? किसान तो ये कह रहे हैं, और जानकारी ये है कि जब बिल नहीं आए, एक्ट नहीं बना, उससे पहले ही उस कारोबार में जो काम करना चाहते थे बड़े बड़े साइलोस बना लिए उन्होंने, हमारी मंडियां नहीं बन रही हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे में किसानों के लिए नेटवर्क बनाया था कि कम से कम मंडियां बने, और गाजीपुर तक मंडी हो, आजमगढ़ में मंडी हो, सुल्तानपुर में मंडी हो, एक्सप्रेसवे किनारे, आपने मंडियों को क्यों खत्म कर दिया? जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंडियां बन रही थी वो मंडी क्यों रोक दी? तो जिसने मंडियां ना बनाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों को खत्म कर दिया हो, सिंचाई इतनी महंगी हो गई हो, क्या उम्मीद करोगे इस सरकार से? सरकार कह रही है कि आपने भी काला कानून कहा, वो तो पहले से अभियंस में डाल दिया गया, अब वो लागू थोड़ी हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, खुद कह रहे हैं कि साल 1.5 साल जितना वक्त चाहते हैं उतना ले लें, आकर के हमसे बात करें।
अगर इन कानूनों से किसानों को फायदा होने वाला था, अगर फायदा ही किसान को है, तो किसान के पक्ष में कोई कानून लाइए आप तय करिए एमएसपी क्या मिलनी है, भारत सरकार है तय करे कि हाँ हम इसको यहां पर स्थान है यहां पर दे देंगे, क्यों नहीं तय करती है सरकार। और अगर किसानों के ही पक्ष में था तो किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कहते हैं कि तो चंद किसान विरोध कर रहे हैं, और ये एक राज्य की, ये मुख्यतः हरियाणा पंजाब की प्रॉब्लम है, उसमें भी पंजाब की प्रॉब्लम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, वो भी राजनीति से प्रेरित। उत्तर प्रदेश के किसान और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं, और समय बताएगा जिस समय किसान मतदान करेगा। अखिलेश जी, अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात अगर करें, एक जनरल लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जब राहुल गांधी अखिलेश यादव चुनाव लड़ दिया नहीं जीत पाए, अखिलेश यादव मायावती जी मिलकर चुनाव लड़ दिए नहीं जीत पाए, इस बार तो सब अलग अलग हैं, तो फिर इस बार कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब गठबंधन नहीं जीत पाया तो कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इस बार हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, किसी वर्ग के लोग अगर आए होंगे उन्हें जोड़ने का काम किया, लगातार पार्टी से जुड़े हैं। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जाना तय है।